ये ऑयल डाल रहे हैं हम। अब हम बनाएंगे गोश्त और अरबी। सबसे पहले ऑयल डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमने थोड़े से प्याज काटे थे वो प्याज हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। बस ये प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन डाल देंगे। अच्छा, जब भी सालन बनाएं आप तो जो आग है वो आप मीडियम ही रखें, फुल आग पे नहीं, क्योंकि फिर फुल आग पे चीज़ें जल्दी जल जाती हैं और उसमें जायका नहीं होता। और अगर आपने कोई शोरबे वाला सालन बनाना है तो हमेशा जो प्याज है उसको थोड़ा रखें, कम डालें उसके अंदर, तो उससे ये होता है कि सालन मीठा नहीं बनेगा और फिर भारीपन भी नहीं होता उसके अंदर। अब ये देखें लाइट ब्राउन हो गए, हमने ज़्यादा जलाने नहीं है। अब हम इसके अंदर जो हमने लहसुन अदरक रखा था वो डाल देंगे, और ये हरी मिर्चें भी थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए ना। अच्छा, ये अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाली थी, इसमें थोड़ा सा हम छीटा देंगे पानी का ताकि अदरक लहसुन जो है वो जल ना जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमारा मसाला था, उसमें बड़ी इलायची थी, दो लौंग थे, दो इलायची, एक टुकड़ा उसका था दालचीनी का, वो डाल देंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। नमक जो है वो भी आप आधी चाय की चम्मच जो है वो डाल दें। नमक कम रखेंगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं, अगर पहले से आप ज़्यादा नमक या मिर्च कर देते हैं तो फिर उसको कम करना मुश्किल है। पहले ही हथौड़ा रखो। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। जो रोज़मर्रा जो घर में हम खाने बनाते हैं तो बहुत सादा होते हैं, तो अच्छा अभी हम इस गोश्त को जो है इतना भूनेंगे कि सर एक तो कलर भी चेंज हो जाएगा, हरी मिर्चें, काली मिर्च, दो बड़ी इलायची, दो लौंग, दालचीनी, नमक, ये सब डाल के ये हम गोश्त को भून रहे हैं, ठीक है। इस देखें अब जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो गया है, सही है। अब इस पॉइंट पे आके हम थोड़ा सा पहले पानी का छींटा देंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना वो जले ना। थोड़ा सा कैमरे को इसलिए पीछे कर लेती हूँ कि वो आपको पता है। अरे वीनू, गोश्त तो अलग नहीं करना, जोड़ी बनाई है था हूँ कट्ठे ही बनानी, ये लें। अब हम इसके अंदर अरबी भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में भूनेंगे हम, ठीक है। अब इनकी भुनाई जो है ना, कह लो कि कुटाई कट्ठिया दी होनी है, एक कट्ठे भुन होने हैं। जब तक ये हम भून रहे हैं इनको, ठीक है, तब तक आप जब तक कोई और काम करके आ जाए। अब यहाँ आके ये थोड़े से टमाटर हमने रखे हुए थे, ये देखिए थोड़े से हैं, एक टमाटर कह लें छोटा,
वो हम ऐड कर देंगे ताकि ये भी भुन जाए। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जो शोरबे वाला सालन होता है उसके अंदर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मगर इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेते हैं। कटे आप ऐसी चीज़ आया करना, मैं तो पा देंगे। अब देखें मसाला जो है हमारा ऐसा हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने लाल मिर्च और हल्दी रखी हुई है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हल्दी डाल दी थी हमने, तो अब इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो भी इस तरीके से आप ये देखें। अब हम इसको दो हरी मिर्चें डाल के वो शोरबे को पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद बस हमारा सालन तैयार है। बस ये हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट हो गए ये शोरबा तैयार हो गया है। बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, ठीक है, फिर ये तैयार है। आग हम बंद कर देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखें सालन हमारा तैयार है।